चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कार्स ऑन हॉरिजेंटल स्ट्रेट रेल आर पुश्ड अपार्ट बाय एन एक्सप्लोजन ऑफ अ पाउडर चार्ज क्यू प्लेस बिटवीन द कार्स। सपोज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कार्स एंड रेल्स आर आइडेंटिकल इफ द 200 किलोग्राम कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर एंड स्टॉप्स। द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार्ट वेइंग 200 किलोग्राम, इस कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, ये वाला। तो ये वाला तो ट्रेवल कर रहा है कितना, 36 मीटर। तो यानी सबसे पहली बात क्वेश्चन को समझो, यहां पर एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। तो पहले ये भी रेस पे था, ये भी रेस पे था, 200 किलोग्राम वाला और 300 किलोग्राम वाला। जब एक्सप्लोजन हुआ तो दोनों पे फोर्स लगा, ठीक है, इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा, ठीक है। दोनों में सेम मोमेंटम होगा, दोनों पे सेम मोमेंटम आएगा, ठीक है। और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में भी होगा। यानी अगर इसकी वेलोसिटी मान लो स्मॉल वी है, इसकी कैपिटल वी है, डायरेक्शन में ये अपोजिट होंगे और मोमेंटम में दोनों का वैल्यू इक्वल होगी। यानी मोमेंटम कंजर्व हुआ, मोमेंटम कांस्टेंट हुआ दोनों के लिए, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये होता है, ठीक है। और जब ये कार्ट मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी कह रहा है सरफेस जो है कोफिशिएंट फ्रिक्शन दोनों कार्ट के लिए सेम है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो हम लोग को रिलेशन स्टेब्लिश करना है वो देखो। पहली बात तो रिलेशन क्या होगा, जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि वर्क डन इज इक्वल टू, जो वर्क डन किया जाता है, ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स की वजह से, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसको नॉन लिख देते हैं। इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। और के फाइनल, फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए तो के फाइनल जीरो हो गया, और के इनिशियल कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन कितना, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर। ये निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो, माइनस होगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, एफ आर इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी, इसी को तो काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। ये काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म में अगर हम लिख दें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं है, मोमेंटम कंजर्व है, इसलिए इस इक्वेशन को हमने मोमेंटम के टर्म में लिख लिया। तो ये जो रिलेशन आएगा, एफ आर इंटू एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन इंटू एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू जी हम लिखते हैं, इंटू एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अगर ध्यान से देखो इसको, आप ऐसे लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एम स्क्वायर जी, ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, तो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर हुआ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस इसको कहते हैं, एस को स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास का स्क्वायर। अब दोनों को लिख लेते हैं हम, एस वन अपॉन एस टू इज इक्वल टू एम टू स्क्वायर अपॉन एम वन स्क्वायर। दूसरे का मास कितना है, 300 किलोग्राम, 300 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 का स्क्वायर, इट मींस ये आएगा 9/4। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पहले का है 36, पहले का 36 है, यानी ये 36 अपॉन एस टू, तो एस टू की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर ऊपर भेज देते हैं और 4/9 को, 9/4 को उधर भेजेंगे तो 4/9 हो जाएगा इनटू 36, ये 4 टाइम्स कटेगा, 16 मीटर ये आ जाएगा, S2 की वैल्यू 16 मीटर। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।